अरे आपका स्वागत है मेरे साथ सात बनटाई में से एक एजे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सर। आप सूरत आए सीट जे मेरे साथ मौजूद है, सॉरी नाम में दिक्कत हुई, सीट जे मेरे साथ यहाँ पे सूरत में मौजूद है सर। सूरत आए हो, कैसा लग रहा है? सूरत तो बहुत खूबसूरत है, एकदम फटे क्लीन है, मज़ा है हम लोग इधर आके। और यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब है, एकदम पीस, एकदम शांति, वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम सेक्सी सिटी है। सर आप रैपिंग करते हो और यूथ कल्चर जो है उसके साथ आप कनेक्टेड रहते हो, तो आपको कैसा लगता है? मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ये सब चीज़ भी होना ज़रूरी है। अभी सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि पढ़ाई करना चाहिए करके, मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ में और दूसरे एक्टिविटीज़ भी करते रहना चाहिए। वो एक्टिविटीज़ के जरिए अपन लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए कि एक्टिविटी से क्या होता है। अभी मैं रैप करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि इसमें ऐसा चीज़ है, ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ वैसा होता है, तो हर चीज़ का एक एक तरीका होता है। मेरे को बहुत सही लग रहा है, मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे खुश है, मेरे माँ बाप खुश है, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, और जब करियर की शुरुआत की तो आपके फैमिली वालों ने कैसा सपोर्ट किया? जब भी हम लोग ने शुरू किया था तभी तो घर वाले को पता नहीं था। बैक इन 2014 हम लोग जब भी शुरू किया था, हम लोग क्रू फॉर्म हुआ था, तभी हम लोग छुप छुप के करते थे ऐसा, स्कूल का बैग बोलते थे, क्लास जाते थे, क्लास के बैग में कपड़े रखते थे और आगे जाके चेंज करके फिर इवेंट जाके अटेंड करते थे। हम लोग ने ऐसा ऐसा किया, जब हम लोग गाना आया तो घर वाले को बताने लगे, तो तभी सब जन चिढ़ाते थे, क्या है सब ढीला ढीला कपड़ा पहना है, क्या है बाल ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तो टपोरी है तो छपरी है। फिर बाद में अभी जो बोलते थे अभी देखम भाई, तो अभी घर वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और घर वाले तो एक्सेप्ट करेंगे, जरूरी है करना। हाँ जरूरी है, घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अब काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हो और फैमिली को भी अगर आगे बढ़ा रहे हो। अब यूथ को क्या मैसेज दोगे? यूथ को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि कभी किससे कभी रुकने का नहीं, कभी किससे डरने का नहीं, जो दिल में पंगों को उड़ा खोल देने का, आसमान में उड़ान भरने का। ये सात बनटाई क्यों बोलते हैं? पहले हम लोग सात जन थे करके सात बनटाइज नाम रखे थे। बनटाइज मतलब यो, बड़ी, ब्रो, ब्रदर, ये मुंबई स्लैंग में, ये मुंबई का लैंग्वेज है, मुंबई स्लैंग में इसको बनटाई बोलते हैं। तभी हम लोग सात जन थे, अभी सात में से एक थोड़ा फैमिली इश्यूज की वजह से थोड़ा पीछे रुक गया है, लेकिन हम लोग फिर भी सब एक साथ है करके, इसीलिए अभी भी वो सात ही है। दोनों मतलब निकाल सकते हो आप, नंबर में भी सात और एक साथ है करके भी सात, और हम लोग एक साथ से है, मतलब मुंबई 17 से, इसलिए सात। क्या बात है, क्या बात है जी। सो ये थे मेरे साथ सीजे, जो कि हमारे उनके लाइफ के बारे में बता रहे थे। मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ में, मैं अली साइनिंग ऑफ।